कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशन भोगी और करीब 4 करोड़ अंशधारकों के लिए इस महीने के आखिर तक आधार नंबर उपलब्ध कराना जरूरी कर दिया है। जिन अंशधारकों या पेंशन भोगियों के पास आधार नहीं है, उन्हें माह के आखिर तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 के तहत लाभ पाने के लिए पेंशनरों और इसके मौजूदा सदस्यों के लिए आधार कार्ड पेश करना जरूरी कर दिया गया है। EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त VP जॉय ने कहा कि फिलहाल पेंशन भोगियों के साथ साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी 2017 तक उपलब्ध कराना होगा। यह EPFO द्वारा उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है। जॉय ने कहा, हम माह के अंत में स्थिति की समीक्षा करेंगे और अंशधारकों तथा पेंशन भोगियों को 12 अंकों वाला आधार संख्या देने के लिए कुछ और समय दे सकते हैं। EPFO ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों और पेंशन भोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। EPFO ने पूरे देश में सभी 120 फील्ड ऑफिसों को इस अभियान का प्रचार करने का निर्देश दिया है ताकि सेवा योजकों के बीच जागरूकता लाई जा सके। हर महीने केंद्र सरकार सभी सदस्यों के पेंशन खाते में 1.16% अंशदान देती है, जबकि 8.33% अंशदान सदस्यों को करना होता है। देखते रहिए DB Live।